आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग का श्लोक 17 देखते हैं। पहला चरण आरत और म पूरा, जो अक्षर पूरा दिख रहा है उसमें अमिक्स करना है। आत्म आत्म स आधम सम भाविता, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा, सम भाविता विसर्ग दिखा, आ की मात्रा है तापर, विसर्ग को पढ़ेंगे हा, संभाविता हा। इस शब्द को ध्यान दें, स्त आधा स स्त आधा ब स्तब स्तब धा सब धा सब धा। पहला चरण वापस बोले, आत्मा संभाविता सब्धा, एक बार वापस, आत्मा संभाविता सब्धा। दूसरा चरण ध, ध से धनुष है, न पूरा है, न में अ मिक्स करेंगे, धन मान मदा आधन। इस चीज को आप एक बार इधर देखिए, राइट साइड में न जो दिख रहा है ये वाली चीज है, न आधा, न के नीचे हलन, यानी न आधा है, व पूरा है, व में ई की मात्रा जुड़ी हुई है बी, आधा न दा के साथ बोले मदान, फिर वी मदान विता मदान विता, मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचेंगे, मदान विता ये है विसर्ग, आ की मात्रा है तापर तो इसको पढ़ेंगे हा, विसर्ग कभी भी नहीं छोड़ना है। धन मान मदान्विता हा। अब पहला चरण दूसरा चरण साथ में जितनी बार के रिपीटेशन हो आपको उतनी बार श्लोक का उच्चारण करते रहना है। आत्मा संभाविता तब धा, धन मान मदान्विता हा। तीसरा चरण य ज पूरा आधा न, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा, यजन्ते नाम म पूरा है, म में अ मिक्स करेंगे नाम। अब इस शब्द पर ध्यान दें, य य पूरा है तो य में अ मिक्स करेंगे य, य पर अय की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे ग्याई, क्या बोलेंगे ग्याई, आधा स इसके साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि आधे को पूरे के साथ पढ़ना है ग्याई। ध्यान दीजिए ग्य है, ग्य से ज्ञानी पर आई की मात्रा लगी, इसको पढ़ेंगे ग्याई ग्याईस्ते यज्ञस्ते। तीसरा चरण यजन्ते नाम यज्ञस्ते, यजन्ति नाम यज्ञस्ते। स्वतः चरण द पूरा आधा म, आधे को पूरे के साथ पढ़ना है दम्भे ना, ये पूरा एक ही शब्द लिख रखा है सरल गीता में, दम्भे नाविधि पूर्वकम, इसको एक साथ ना लिख के हमने अलग अलग इसलिए लिखा कि इससे आपको और सरल हो जाएगा। दम्भे ना विधि, मात्रा दोनों छोटी लंबा ना खींचे, पू मात्रा बड़ी है लंबा खींचेंगे पू। अब यहाँ पर व पर ये जो है ये है आधे र की मात्रा, आप इधर देख सकते हैं ऊपर ये जो मात्रा होती है ये होती है र के नीचे हलन, आधा र, और व है पूरा, आधा र पू के साथ पढ़ेंगे पूर व पूर्व, व पूरा है ना इसलिए व में अ मिक्स किया है, पूर्व क पूरा म आधा कम पूर्व कम। चौथा चरण वापस, दम्भे ना विधि पूर्वकम। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे ना विधि पूर्वकम। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे, दो बार करेंगे, सभी लोग एक साथ बोलें और एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए बोले।
आत्म संभाविता सब्धा धन मान मदान्विता यजन्ति नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम्। वापस, आत्म संभाविता सब्धा धन मान मदान्विता यजन्ति नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम्। श्लोक का अर्थ, आत्म संभाविता, ये सब हम आसुरी संपदा के जो मनुष्य हैं उनके लक्षण देख रहे हैं, जो केवल ये मानता है कि सिर्फ मैं ही, आत्म संभाविता यानी सिर्फ अपने आप को ही पूजनीय मानना, अपने आप को ही गुणवान मानना, सब्धा जो अकड़ रखता है, जिसको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, जबकि वास्तविकता में संसार में किसी भी एक मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अकेला सब कुछ कर सके। और अगर हमें अकेले में इतनी शक्ति होती तो अगर आज ही हमको कुछ, हम बीमार हो जाते हैं तो क्या हमारा काम हम खुद कर सकते हैं? या चलिए बीमार की भी बात छोड़ दें, हम अपने आप को एक बार नोट करें कि हम सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम करते हैं, क्या आप अकेले वो काम कर सकते हैं? अगर आप पुरुष हैं तो क्या आप अकेले ही रहकर अपना खाना पीना सोना जगना, वो तो करते हैं, पर खाना बनाना भी, आपके कपड़े धोना भी, क्या आप अकेले कर सकते हैं? या आप एक लेडी हैं तो आप जिस तरह से घर का काम संभालती है तो उसके साथ में जैसे पुरुष, तो क्या आप वो सारा काम भी कर सकते हैं? एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता, इसीलिए, लेकिन फिर भी जो अकड़ रखता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो होते हैं आसुरी संपदा के मनुष्य, जो धन और मान मदान्विता उस घमंड में चूर रहते हैं। किसके? धन के, कि मेरे पास पैसा है, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। इसी घमंड से जो चूर रहते हैं, घमंड में ही जीते रहते हैं, इसीलिए वो सिर्फ अपने आप को ही पूजनीय मानते हैं और अपने आप में अकड़ रखते हैं। यजन से, जो किसकी पूजा करते हैं? नाम रूपी यज्ञ की। कैसे? दम्भे न विधि पूर्वक, जो अविधि, अविधि यहाँ पर विधि आपको दिख रहा है लेकिन दम्भे न, तो इसका मतलब हो गया जो अविधि से पूर्वक, अविधि के साथ यानी किसी तरीके के बिना घमंड से जो नाम रूपी यज्ञ की पूजा करता है। अब नाम यज्ञ के लिए, भगवान के नाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपने नाम की पूजा करता है। दिन भर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं घर का ये काम करता हूँ, मैंने इसके लिए ये किया है, जो ऐसा करता है वो नाम रूपी यज्ञ यहाँ पर बताया, ना कि भगवान के नाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आसुरी संपदा के मनुष्यों के लिए बताया गया है कि जो केवल खुद को ही पूजनीय मानता है, जो केवल अकड़ रखता है, जिसको धन का अभिमान रहता है, उसी घमंड में चूर रहता है और उसी घमंड के कारण वो अविधि पूर्वक नाम रूपी यज्ञ से पूजा करता है। नारायण नारायण।